हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन क्या होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में। सरफेस टेंशन एक ऐसा टेंसाइल फोर्स होता है जो एक्ट करता है लिक्विड के सरफेस पे जब भी कभी वो गैस या किसी एयर के कांटेक्ट में होता है, या गैस या लिक्विड के लिक्विड एक साथ कांटेक्ट में है तो जो लिक्विड के सरफेस पे फोर्स एक्ट करती है उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। मैं आपको अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँ तो मैं एग्जाम्पल से आपको ऐसे समझा सकता हूँ। ये है मेरे पास वाटर टैंक, ये पानी, इसके अंदर पानी से भरा हुआ है, नीचे बबल्स आ गए, इसके अंदर एयर बबल्स में और ये लिक्विड है चारों तरफ। इसे मैं अगर और बड़े क्वांटिटी में देखता हूँ, ये बबल हो गया और इसके चारों ओर लिक्विड है, ठीक है। जो फोर्स एक्ट कर रही है, अंदर गैस भरी पड़ी हुई है या कोई एयर है, जो फोर्स एक्ट कर रही है इस लिक्विड के अपर मोस्ट लेयर पे, जो फोर्स एक्ट कर रही है ये टेंसाइल टाइप की होगी। ये गैस बाहर भागना चाहेगी ना, ये गैस तो बाहर जाएगी इस तरीके से चारों ओर की तरफ। तो जो फोर्स एक्ट कर रही है टेंशन, उसी को बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। लिक्विड के सरफेस पे जो फोर्स एक्ट कर रही है टेंशन में, उसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की जो मैग्नीट्यूड होती है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स न्यूटन में होता है और लेंथ मीटर में होता है, तो न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट होती है। एग्जांपल, इसमें तीन कंडीशंस आते हैं या तीन पॉइंट्स होती हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं अगर फ्री सरफेस पे है या बबल्स जो बने हैं वो एकदम नीचे हैं पानी में, या आधा फ्री सरफेस में या आधा लिक्विड में है मर्ज्ड बबल, तो उस केस में कैसे बनेगा मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये टैंक हो गया, ये मैं कर लेता हूँ, ये बबल्स ये बबल्स के अंदर जो गैसेस हैं वो चारों डायरेक्शन में बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन चारों तरफ तो पानी के लेयर्स हैं, ये पानी है तो पानी के लेयर्स हैं और ये वाले चारों तरफ इधर भागने की कोशिश करेंगे। ऊपर तो ज़्यादा नहीं जा सकती, ज़्यादातर फोर्स नीचे एक्ट करेगी तो इसका रिजल्टेंट जो है नीचे एक्ट करेगा, तो ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेंगी बबल्स। और ये जो है इस केस में क्या है, ये चारों ओर मूव करने की कोशिश करेगा तो ये बबल्स कहीं नहीं जा पाएंगे, तो ये चारों ओर इक्वली डायरेक्शन मारेगा और इस केस में ये बबल्स की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होंगे। तो ये जो है सारे डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा जिसके वजह से वो इस जगह फिक्स रहेगा, और जो बी है वो सिचुएटेड रहेगा फ्री सरफेस के पास। इसमें अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्स, अनबैलेंस अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है, तो नेट जो फोर्स होगी बी की वो एक्ट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कुछ अपवर्ड है मैक्सिमम डाउनवर्ड है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहा है बी वाले बबल के केस। और मॉलिक्यूल सी की बात करें जो सिचुएटेड है फ्री सरफेस पे, ये एक्सपीरियंस कर रहा है रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड ही है, क्योंकि मैक्सिमम जो है गैसेज वो नीचे की तरफ है। फ्री सरफेस में अगर देखा जाए इसमें तो गैसेज नीचे की ओर भागने की कोशिश करेंगे, तो ये भी डाउनवर्ड फोर्स फील करेगा। तो जो फ्री सरफेस में ये गैस जो है ये बाहर जो फोर्स लगा रही है इस लेयर पे वाटर की, जो ये लेयर, ये जो फोर्स लग रहा है टेंशन फोर्स, इसी को कहते हैं हम सरफेस टेंशन और कुछ नहीं है। सरफेस टेंशन आपका दो फॉर्मूलेज हैं सरफेस टेंशन, वो आपका है सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट, पहला आता है आपका सरफेस टेंशन लिक्विड ड्रॉपलेट, जिसमें आपका फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल्स टू 4 times ऑफ सिग्मा ओवर डी, जहाँ पे पी क्या होता है प्रेशर, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, पी जो है प्रेशर है और ये सिग्मा जो है स्ट्रेस, और जी टी जो है डायमीटर
बाय। ये तो एक हो गया फोर्स। जो दूसरा अब केस बनता है सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट हो गया, सरफेस टेंशन ऑन हॉलो बबल्स। हॉलो बबल्स के केस में क्या होगा? हॉलो बबल सी केस में जो प्रेशर की वैल्यू होती है 8 टाइम्स ऑफ सिग्मा ओवर टी, जिसमें ये पे प्रेशर हो गया, सिग्मा स्ट्रेसेस हो गई और डी जो गया डायमीटर ऑफ द ये सरफेस टेंशन जो स्ट्रेसेस है सरफेस टेंशन हो गया और डी डायमीटर ऑफ द बबल। ये बबल के केस में यूज करेंगे अगर बबल फॉर्म में होती फॉर्म होती है, और ये जब लिक्विड ड्रॉपलेट्स के वजह से होता है सरफेस टेंशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और मैं अगली वीडियो में आपको कैपिलरिटी बताऊंगा क्या होती है, उसके आगे फ्लूइड मैकेनिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम सेकेंड स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।